कहीं सरकार का कर्जा है, कई बैंकों का कर्जा है। धन जो है बिना इलाज कराए ही मौत को प्राप्त कर हो जाता है। ये सरकार वास्तव में तानाशाह सरकार है। हम कर्जा माफी की बात नहीं, हम कर्जे से मुक्ति की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा आंदोलन है, ये गुंगी बेरी सरकार का कान हलाने के लिए आए हैं कि किसान तो मर रहा है, कर्जे से मर रहा है, रेट मिल नहीं रहा, बच्चे उनके यहाँ पढ़ाए नहीं जा रहे, बच्चे विदेशों में जाके काम करते हैं वर्किंग का। इसलिए हम सरकार को चेताने आए हैं कि हमारा हक हमें जल्दी दो, नहीं तो किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तैयार बैठे हुए हैं। खेती घाटे का सौदा है और हमें घाटा पड़ रहा है। हमें हर फील्ड में परेशानी आ रही है। कहीं हमारे ऊपर साहूकार का कर्जा है, कहीं सरकार का कर्जा है, कहीं किसी कहीं बैंकों का कर्जा है, कहीं सोसाइटी का कर्जा है। हम कर्जा 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 से तंग आ चुके हैं। हम दिन रात आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हम मेंटली तौर पर डिफेक्टेड हो गए हैं, फिजिकल तौर पर डिफेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए सरकारें ध्यान दें, नहीं तो देश की हालत कुछ और होगी। हमारे को हर दुख झेलना पड़ रहा है। जब का भारत आज़ाद हुआ, भारत का किसान गुलाम है, लेकिन भारत को ये आज़ाद बोल रहे हैं। जो गुंडे लोग हैं, जो लूट रहे हैं, जो लुटाई कर रहे हैं, लूट मार मार के जुमला दे रहे हैं, जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू की, इन्होंने किसान का रेट नहीं बढ़ाया, हमें नहीं समझ ये करना क्या चाहते हैं। हम बहुत दुखी हैं। बिल्कुल कर्जा माफ नहीं किया, ये झूठ मारने में माहिर है, और किसानों को दबाने में, किसानों को करने में, किसानों को तंग करने में ये माहिर है। किसान दुखी हो चुका है, हम दुखी हो यहाँ आए हैं दिल्ली में। हमारा काम खेतों में काम करना, ना कि हमारा काम आंदोलन करना। हम देश का पेट भरते हैं 125 अरब जनसंख्या का, और बॉर्डर पे भी हमारा बेटा मरता है। इन किसी राजनीति का बेटा नहीं मरता, किसी IPS ICS का बेटा नहीं मरता, हमारा बेटा वहाँ भी गोली खा रहा है, देश को बचा रहा है। हम पेट भी भर रहे हैं, देश से बचा भी रहे हैं। अनाज जो अगर किसान ने अनाज इतना पैदा किया है, ये तो लोगों को 2-2 रुपये में बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, गेहूँ बांट रहे हैं, हमारी चीज़ तो बांट रहे हैं, और वो लूट जो हमारी लूटी हुई लोगों को राजी कर रहे हैं और वोटें ले रहे हैं। किसान को मार रहे हैं, किसान मर रहा है बेचारा, किसान पिस रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी इंदर है, मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन से हूँ। और हम लोग यहाँ पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं, किसान अपनी मजबूरी को लेकर यहाँ सरकार की गुंगी बेरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसान के चेहरे पे आज मुस्कुराहट नाम की चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। किसान कर्जे के दब गया है, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। आज किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, हेल्थ देने के लिए सक्षम नहीं है। आप देखिए किसान जो है बिना इलाज कराए ही मौत को प्राप्त कर हो जाता है। इस देश के अंदर किसान कर्जे के दबके भी मौत को प्राप्त हो जाता है, किसान हर प्रकार से मर रहा है। देखिए सरकार जिस कर्जे को माफ करने की बात कर रही है, वास्तव में वो कर्जा माफ नहीं हो रहा। वास्तव में किसान के साथ सरकार आंकड़े की जादूगरी कर रही है। हम कर्जा माफी की बात नहीं, हम कर्जे से मुक्ति की बात कर रहे हैं। आप जब किसान मेहनत करता है, उत्पाद लेके आता है, तो उसका उत्पाद का जो लागत वाला जो मूल्य है उसको वो नहीं मिल पाता। लागत का मूल्य जो है लाभ कर के साथ नहीं मिलता, उल्टा उसको जो है हानि के साथ उसको जो है समझौता करना पड़ता है। अभी आप देखिए पूरा देश जो है प्याज के कारण हाहाकार हो गई थी। देश में 100 रुपये किलो प्याज बिका, पर कुछ दिन पहले, उससे पहले 6 महीने पहले किसान का प्याज मात्र 2 रुपये नहीं बिका। वास्तव में क्या है कि जो सरकार काला बाजारियों के साथ मिलकर एक गेम प्लान करती है कि देश का आम जनमानस भी दुखी हो और किसान भी दुखी हो, रसोई भी महंगी हो और खेती भी नीचे चली जाए। तो सरकार जो है खेत मजदूर किसान को कमजोर करती है, वहीं एक मिडिल क्लास तबके को भी कमजोर करती है। ये सरकार वास्तव में तानाशाह सरकार है, लूटना चाहती है, लोगों पे कर लगाना चाहती है, अलग अलग तरह के टैक्स लगाना चाहती है। अब आप देखिए हाईवे के ऊपर आप लोग चलते हैं, हाईवे को कितने टूल टैक्स लग गए हैं। क्या ये देश की तरक्की है? देश की जमीन है, देश का संसाधन है, प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है। आज सरकार नाम की चीज नहीं है, हर चीज प्राइवेटेशन की ओर चली गई है, जिससे इस देश के अंदर किसी प्रकार का में सरकारी काम नजर नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।